गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट सेकेंड। आज हम ज्योमेट्री रचनाओं की लास्ट वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। इसमें मैं दोनों ही टॉपिक की आपको रिवीजन करा रही हूँ। जैसे फर्स्ट टॉपिक अपना आकृति देखकर नाम लिखिए। इस टॉपिक में आपको क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको आकृति बनी हुई आएगी, ठीक है। इनके आपको नाम लिखने होंगे। मैं कुछ आकृतियां बना देती हूँ, आपको इनके नाम लिखने हैं। तीसरा नंबर है दिख रहा है बेटा, ठीक से ध्यान से देखिए सभी बच्चे। ये आपको आकृति दे रखी है। लास्ट वीडियो आज आपकी बैग नंबर ही, तो आप ध्यान से देखिए सभी, इसकी रिवीजन अच्छे से करें। एक मैं आपको दे देती हूं। फाइव नंबर पर वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, गोला हो गया, वृग, आयत, त्रिभुज, गोला, ये अंडाकार वाली आकृति दे देती हूँ। एक ये आकृति हो गई आपकी, एक आपको ये आकृति दे देती हूँ, आपको इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। सेकंड आपका ऑप्शन है कि नाम दिए जाएंगे, नाम देखकर चित्र बनाइए। जैसे यहां पे आ गया त्रिभुज, आप त्रिभुज लिखा है, आपको चित्र नहीं दे रखा। त्रिभुज लिखा है लेकिन आपको चित्र नहीं दे रखा, तो इसमें आपको चित्र बनाना होगा। नंबर एक, नंबर दो, आयत, कुछ ही आकृति है आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा आकृति नहीं है आपकी। आयत, फिर वर्ग, फिर वृत्त, ठीक है। सिक्स नंबर पर वक्र रेखा, इसमें है वक्र रेखा के बाद एक चित्र और दे देते हैं आपको। घनाभ या घन का दे देते हैं, ठीक है। अब आप अच्छे से इनका नाम देखें, उसके बाद इनका चित्र बनाना स्टार्ट होगा। देखिए अब सबसे पहले मुझे दे रखा है ये त्रिकोण आकृति दे रखी, तीन कोने वाली। तो ऐसी कहीं भी आपको आकृति मिलती है तो आप इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज। क्या नाम है बेटा ये? त्रिभुज। इसकी परिभाषा मैंने आपको कराई थी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसके एक, दो, तीन भुजाएं होती है, तीन कोने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये हमारा वृत्त, बिल्कुल गोल और समतल आकृति को वृत्त कहते हैं, ठीक है। अब ये है हमारा वर्ग। वर्ग की क्या विशेषता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये आकृति आप कैसे पहचानोगे? जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको हम आयत कहते हैं। आयत की चार भुजाएं होती है, चार कोने होते हैं। ये आकृति है अंडाकार आकृति। कैसी आकृति है बेटा? अंडाकार आकृति, अंडाकार आकृति, ठीक है। और ये है वक्र रेखा।
कौन सी रेखा है ये? वक्र रेखा, वक्र रेखा, ठीक है। ये आपको चित्र दे रखे हैं, आपने इनके नामांकित किया है लोगों, ठीक है। यहाँ पर नाम दे रखे हैं, आपको चित्र बनाने हैं। सबसे पहला चित्र है, नाम है त्रिभुज, त्रिभुज का आप चित्र बनाएं, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक में आपको चित्र दिया है, ये नाम लिखना होगा, एक में आपको नाम दिए जाएंगे, चित्र लिखने, चित्र बनाने होंगे। आयत, आयत की क्या विशेषता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे आयत कहते हैं, ठीक है। वर्ग, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है उसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसके चार कोने होते हैं, चार भुजाएं होती हैं। वृत्त, बिल्कुल गोल और समतल आकृति को वृत्त कहते हैं, इसका कोई कोना नहीं होता, कोई भुजा नहीं होती, ठीक है। ये आपका वृत्त। अब है वक्र रेखा, तिरछी लाइन कोई भी खींच दो वो वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। फिर है घन, जैसे हमारा वर्ग होता है उसी की बॉक्स वाली आकृति क्या कहलाती है? वर्ग। जैसे आपका चौका डब्बा है ना, चौका डब्बा चारों तरफ से बराबर होता है, तो वो आकृति कौन सी आकृति कहलाएगी? वर्गाकार आकृति, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। आज आपकी लास्ट वीडियो है ज्योमेट्री रचनाओं की, अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नए पेज, एक पेज में ये क्वेश्चन करेंगे, एक पेज में ये क्वेश्चन करेंगे। हैंडराइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। चार पांच वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है सारी ज्योमेट्री रचनाएं, इनकी परिभाषाएं भी लिखवाई हैं। आप परिभाषाओं की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनके चित्र भी बनाएं, तो बहुत अच्छे से आप वर्क को करें। अपनी कॉपी को आप संभाल के रखें, गंदा ना करें कॉपी को, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना वर्क जरूर भेजें बेटा। थैंक यू।